जब मैं अमेरिका यात्रा पे गई थी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा कवि सम्मेलन वहाँ हर साल आयोजित होते हैं और हर साल 2 या 3 कवि वहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। और मैंने सुना है कि जो एक हर कवि का सपना होता है कि लाल किले से काव्य पाठ करना, तो आप वहां से भी जो है काव्य पाठ कर चुकी हैं, तो उस बारे में भी मैं जानना चाहता लाल हूँ। किले का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मंच होता है। अगर आप कवि सम्मेलन से जुड़े हुए हैं तो सारे कवियों का सपना होता है कि एक बार हम उस मंच पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर से दिन का निराला इन लोगों ने कविताएं पढ़ी। तो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैं 2 बार उस मंच पर जाकर मैंने काव्य पाठ किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगर फिर से एक और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, और आज मैं मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पर्सन से, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी कविताओं के दम पर इवन हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी प्रचार किया है। चूँकि दोस्तों आपको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, और आजकल लोग इससे बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहा है। खास करके अगर मैं बात करूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी से बहुत ही ज़्यादा दूर होती जा रही है कहीं ना कहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। मेन चीज हमारी यह है कि किस तरीके से आप हिंदी में अपने करियर को डेवलप कर सकते हो और आपका हिंदी से जुड़ाव कैसे हो। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी के माध्यम से हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, तो आज इसीलिए मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी कविताओं के दम पर और अपनी हिंदी साहित्य के दम पर उन्होंने विदेशों में प्रचार किया और भारत सरकार की तरफ से उन्हें विदेश जाने का मौका मिला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके भविष्य में ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरव्यू सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैम, हमारे दर्शकों को आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए थोड़ा सा। नमस्कार प्रभात, और जब तुम्हारा फ़ोन जब आया तभी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तुम्हारे पास एक अपना विज़न है और तुम्हें पता है कि किस तरह से बात रखनी चाहिए अपनी, और मुझे किस तरह से बात रखनी चाहिए। तुमने मुझे डायरेक्शन दिया इस बात का। जैसा तुमने बताया कि मैं कविता के क्षेत्र में मैंने कुछ काम किया है, तो डॉक्टर उर्मिलेश आप सब लोग परिचित होंगे उनसे, देश के और विदेश के बहुत प्रख्यात कवि वो रहे हैं। उनकी मैं बेटी हूँ, और चूँकि कविता पूरा हमारे परिवार से मतलब इनहेरिटेड है ये चीज़, तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी ये बीज जो था अब अंकुरित हुआ, और लोगों तक जब मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं, मेरी आवाज़ पहुंची, तो मुझे उन्होंने मौका दिया, स्टेज मुझे मिला ईश्वर की कृपा से, तो मैं अपनी बात रख पाई, अपनी रचनाएँ लोगों के सामने ला पाई। ओके मैम, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जनरली आपकी पोइट्रीज़ के बारे में भी। सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि आजकल आप देख रही हैं कि युवा पीढ़ी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी और एक अच्छी डायरेक्शन के बाद भी, तो कभी आपको नहीं लगा कि मुझे किसी और लाइन में अपने करियर को डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए, लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गई, तो कविताओं में चूंकि आपने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है जो कि आपने शुरू किया, तो इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई, और इसके अलावा कभी आपको लगा कि मुझे किसी और क्षेत्र में भी प्रयास करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है प्रभात कि मैंने इसको कभी करियर बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं था कि कविता का क्षेत्र मेरे लिए कभी कोई करियर हो सकता है। ये कविता जो होती है ये अपनी भावनाएं होती हैं, अपना अपना उद्वेलन होती हैं, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं, और ये स्वतः स्फूर्त होती हैं, और यही अशांत सुखाए मैं पहले कभी लिखा करती थी, और कभी मैंने करियर के तौर पर तो उसको देखा ही नहीं। लेकिन मैं सिंगिंग में हाँ ज़रूर मैं इंटरेस्ट रखती थी और चाहती थी कि उसमें मेरा करियर बने, और मैंने एमए भी संगीत में किया था और क्लासिकल संगीत की भी ट्रेनिंग कुछ दिनों तक ली, लेकिन तभी कम उम्र में मेरी शादी हो गई, तो वो पूरी तरह से उसका ये सोचिए रुक गया, वो करियर मैं नहीं बना पाई संगीत को। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने इसको फिर स्टार्ट किया, संगीत भी सीखना दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता था कि मैं संगीत में रमती नहीं थी। जब मैं रियाज़ करने बैठती थी, मेरे गुरु उस्ताद सखावत हुसैन खां और यहाँ पे अकरम हुसैन खां जो बदायूं में ही रहते हैं, उन्होंने भी मुझे सिखाया, तो जब भी मैं रियाज़ करने बैठती थी, साह लगाती थी, तो थोड़े मेरे मन डाइवर्ट हो जाता था, तो तब मैंने शायद पहचाना कि नहीं, ये शायद मेरी मंजिल नहीं है, मैं इसको पसंद करती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं गा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा करियर नहीं हो सकता, इसमें मेरा पैशन नहीं है। पैशन मुझे महसूस हुआ कविताओं में,
जब मैं अपने पिताजी की कविताएं पढ़ती थी, पहले तो मैंने उनसे ही शुरुआत की, फिर मैंने और लोगों को पढ़ना शुरू किया। अब मेरा मन इतना रमता है उसमें, किसी दिन रात में अगर मैं कुछ अच्छा लिख लेती हूँ, रात में अक्सर लिखती हूँ, तो मैं कई दिनों तक बहुत खुश रहती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं दिल से कविता के लिए बनी हूँ, मेरा जीवन जो है वह कविता के लिए है। तो सबसे पहले तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप बनना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हमें यही नहीं समझ में आता है कि हमें करियर क्या बनाना था, हम कर क्या रहे हैं, तो वो संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलती है। तो ईश्वर की दया से मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट भी हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हृदय को और मुझे भी, मेरे मानसिक तौर पर मुझे ज़हनी खुराक भी मिल रही है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उससे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कई बार क्या होता है कि हमारा पैशन तो कुछ और होता है लेकिन हमारे अंदर, कई बार ऐसे होते हैं हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं उस चीज़ को डेवलप कर पाते हैं या नहीं। कई बार पैशन भी कुछ और होता है और कई बार हमारे अंदर योग्यता भी कुछ अलग होती है जिसके बारे में हमको नहीं पता, हम नहीं पहचान पाते। तो आपने मैम अपने कविता के क्षेत्र में अपना काव्य पाठन प्रथम बार कब शुरुआत किया आपने? मैं लगातार तो छुटपन से ही मैं कभी कभी तो पढ़ती ही रहती थी। नहीं, वो तो फैमिली है ना, क्योंकि माहौल कि है। हाँ, कि भाई बच्ची अच्छा पढ़ती है कि उसके साथ चलो पढ़ लिया। कभी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मैं लगातार अपना परफॉर्मेंस वगैरह देती रहती थी, लेकिन इधर पिछले 5-6 सालों से इसमें थोड़ी सी प्रगति हुई। वो भी मुझे सोशल साइट्स से, सोशल फेसबुक वगैरह, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए साबित हुआ। मैं अपनी कविताएं सबसे पहले तो उसी पे कभी कभी डाल दिया करती थी, और आज भी जब वो मेमोरीज आती हैं, 10 साल पुरानी मेमोरीज आती, तो इतना कमज़ोर लेखन उसमें मेरा होता है। अब मैं देखती हूँ कि मैंने बहुत लंबी यात्रा तय की, व्याकरण पढ़ा मैंने, गज़ल का व्याकरण, गीतों का व्याकरण, ये सब चीज़ें पढ़ी, बहुत मेहनत की इस पर, तो और लोगों को काफ़ी पढ़ा। तो फेसबुक मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। कभी कई बार मैंने अपने कुछ गीत वगैरह कंपोज किए तो उसका छोटा सा वीडियो बना कैसे डाल दिया, लोगों को बहुत पसंद आया। एक गज़ल ज़रूर मैंने माँ पर लिखी थी कभी, वो एक लुधियाना से शायद कोई पत्रिका प्रकाशित होती है, उन्होंने कहा था 1-2 दिन के अंदर ही आप मुझे माँ के ऊपर हमें आपकी ये गज़ल चाहिए। अब मैंने कहा इतनी जल्दी मैं कैसे लिख सकती हूँ, हर चीज़ एक समय होता है किसी चीज़ का, एकदम भाव आते भी नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि मैंने शायद 1-2 घंटे के अंदर ही वो गज़ल पूरी कर दी और उस गज़ल को बहुत प्रसिद्धि मिली। वो मैंने लखनऊ में एक प्रोग्राम में सुनाई थी, तब लोगों ने मुझे बहुत शाबाशी दी और बहुत प्रशंसा मुझे मिली। बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने शाबाशी दी, और छोटे लोगों ने बहुत प्रशंसा की और कहा कि आपको तो स्टेज पर रेगुलर वे में आना चाहिए और ऐसे लोगों को ज़रूर आना चाहिए जो मतलब एक गरिमा लेकर आए, स्टेज की गरिमा लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये हुआ कि हाँ, इसको मैं सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा, बस मुझे मौका मिलता गया और मैं इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैम आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो कहाँ से कंप्लीट की, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट कि आपने, मतलब जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में इवेंट्स वगैरह का, भी उनमें पार्टिसिपेट करना क्या हमारा जो वे था, और आजकल के जो यूथ है उन्हें किस तरीके से उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरी एजुकेशन तो यहाँ पे बदायूं से ही हुई थी, मैंने बीए यहाँ बदायूं से किया है, फिर इसके बाद मैंने एमए दयालबाग से किया था संगीत में, फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरी मैरिज हो गई थी, तो फिर आफ्टर मैरिज कुछ सालों बाद मैंने फिर से दोबारा हिंदी में एमए किया। पापा का बड़ा मन था कि कोई मेरा बच्चा हिंदी में एमए करे और पीएचडी करे, जबकि मेरा बहुत कम इंटरेस्ट था इसमें पीएचडी करने में, लेकिन फिर मैंने पीएचडी हिंदी में की थी। तो इस तरह से तो मैंने, ये मेरा एजुकेशनल ये क्वालिफिकेशन है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि आजकल यूथ किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट वगैरह, मैं लगातार करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेष्ठता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इस समय ओपन माइक वगैरह का बड़ा कॉन्सेप्ट चला, देखिए एकदम से आया और हवा की तरह उड़ गया। तो जो चीज़ शाश्वत होती है उसकी ओर हमारा फोकस रहना चाहिए, जो मतलब हमेशा। आज अगर हम पढ़ रहे हैं, आज से कितने साल पुराना लेखन है वो आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया महादेवी वर्मा या क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, उनका भी लेखन आज हमें कितना इंस्पायर करता है और लगता है कि ये है ठोस लेखन जिस पर। लेकिन समय के अनुसार बदलते हैं, शब्दावली भी बदलती है, तरीका भी बदलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी नींव से तो जुड़े रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं, कविता एक मांग करती, एक जिम्मेदारी है। कविता एक अखबार की तरह नहीं होती कि आपको खबर तरह पढ़ देनी है कविता, उसमें आपकी कला भी होनी चाहिए, उसमें एक आपके भीतर एक आग भी होनी चाहिए। तो हम किसी की भी कला को, किसी भी प्रोफेशन को कुछ हम दे कर जाएं तो बात बनेगी, नहीं तो इस तरह से किसी चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ओपन माइक के लिए मेरा ये कहना है
बाकी अब इस समय युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मेरे ही परिचित लोग इतने अच्छे हैं, मुझसे बहुत कम उम्र के लोग हैं, लेकिन इतना शुद्ध व्याकरण सम्मत और बहुत गहन चिंतन उनका है, मनन है, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा होगा, देखिए वो छन जाता है, छन्नी होती है ना, वो छान देती है, अच्छा अच्छा छान देती है और बाकी रेत की तरह बह जाता है। तो अगर अच्छा लेखन होगा तो वो हमेशा मतलब प्रशंसित होगा। कहीं ना कहीं अब मुझे ये भी लगता है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि छन जाता है वो चीज़, तो जो पिछले लोग, पुराने लोग लिखते थे, लाइक मैं बात करूँगा मैथिली शरण गुप्त की या महादेवी वर्मा जी की, तो वो अपने शब्दों का चुनाव भी समय की परिस्थिति को देखते हुए करते थे। हाँ। कि आज अगर हम उनकी कविताओं को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और इंस्पायर हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी था कि वो लोग लॉन्ग विजनरी थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कालजयी लेखन क्या होता है, युग बोध क्या होता है, युग दृष्टा, ऐसे जो बड़े बड़े शब्द हैं ना, तो वो इन्हीं को परिभाषित करते हैं, ऐसी लेखन को परिभाषित करते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है कि शाश्वत लेखन जो होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और एक लंबा, एक उनके पास एक दूरदर्शिता होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ईश्वर की कृपा ये भी होती है। मैं कई बार इस शब्द को जब मैं प्रयोग करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे भीतर मैंने कहीं महसूस किया है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैम हम बात करेंगे, मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी कविताएं हैं, जो आपकी किताबें हैं वो भी प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले तो उनमें आपका जो वो है किस नाम से प्रकाशित होती हैं, आपका जो प्रॉपर नेम है उसमें जो पड़ता है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, ताकि दर्शक जो है वो उसको खरीद सके या कभी कोई उसको चाहे वो उसको पढ़ सके। और अभी तक जो है मतलब कितनी जगह से आपको जो अचीवमेंट मिल चुकी है इस लाइन में? मेरे संग्रह 3 आ चुके हैं और मेरा नाम उसमें सभी में सोन रूपा विशाल है, और अमेजोन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पर वो उपलब्ध भी हैं। सबसे पहली मेरे गज़ल संग्रह आया था लिखना ज़रूरी है, तो उसको हरिवंश राय बच्चन सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और दूसरी किताब अभी मेरी 2018 में आई है, वो है पिछले बरस का गुलमोहर, तो वो गीत संग्रह है, वो भी उपलब्ध होगा अमेज़ॉन वगैरह पर है। और तीसरी किताब है मेरी अमेरिका और 45 दिन, जब मैं अमेरिका यात्रा पे गई थी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा कवि सम्मेलन वहाँ हर साल आयोजित होते हैं और हर साल 2 या 3 कवि वहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं, तो इस बार 2018 में मेरे को आमंत्रण मिला था, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो खाली समय, क्योंकि अमेरिका में बहुत दूरियाँ बहुत होती हैं, रोज़ हमें नए शहरों में काव्य पाठ करना होता था, तो मैं समय का जो उपयोग करती थी, मैं डायरी लिख के करती थी और मोबाइल में मैं सारे अपने नोट्स वगैरह लिया करती थी, तो धीरे धीरे करके वो पूरी किताब तैयार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और फेसबुक वगैरह पर मैं पोस्ट करती थी, लोगों के इतना व्यूज़ और इतने कमेंट्स लाइक वगैरह कि हम पढ़ना पसंद कर रहे हैं इसको, तो ये किताब के रूप में ढल पाई। तो इसको अभी जगदीश गुप्त सर्जना पुरस्कार मिला, ये भी हिंदी संस्थान द्वारा मिला। जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए उसके लिए। थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं कि आपको काव्य पाठन को, कविताओं को एज अ करियर लेना है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जो लास्ट अपनी बुक लिखी थी लिखना जरूरी है, वो उसी से इंस्पायर होके लिखी है कि हाँ, ये मेरे क्या, आपने कहना था कि ये अपने भीतर एक आग होती है, मतलब बेचैनी होती है जब तक आप लिख ना लो। अभी मेरे अंदर होती, मैं पूरे दिन मतलब टेंशन में रहती हूँ, अगर एक मेरा मिसरा हो जाए या एक मुखड़ा हो जाए और आगे का अंतरा नहीं आ पा रहा है तो मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो मुझे लगता है लिखना ज़रूरी है, मेरे लिए लिखना ज़रूरी है, जैसे खाना पीना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए हाँ, इसीलिए मैंने एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछा। लिखना ज़रूरी, और दूसरी एक चीज़ है, ये दो कारण थे मेरा, एक तो यही मेरे अंदर का उद्देलन, मेरे अंदर की बेचैनियाँ जो मुझे लगता था कि जब तक नहीं होंगी पूरी तब तक काम बनेगा नहीं, और दूसरी बात ये है क्योंकि मैंने अपने पिताजी को गुरु माना, अगर उनकी कविताओं को मैंने नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं कवित्री या कविता लिखना मेरे वश में नहीं होता। तो उन्होंने कहीं पर जिक्र किया था कि मैं अगले संग्रह का नाम लिखना ज़रूरी है समझूंगा, और वो ऐसा हुआ कि वो नहीं रहे, तो मेरे मन में एक कहीं तड़प थी कि उसको मैं पूरा करूं। तो ये दो रीज़न थे उसको लिखने के, और वास्तव में लिखना तो ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कहीं आपको लगा कि इसलिए आपने सोचा हो कि लिखना ज़रूरी है। और जो आपने अपनी दूसरे संग्रह का नाम बताया तो पिछले वर्ष का गुलमोहर, हाँ जी, तो मुझे लग रहा है कि इस साल को देखते हुए, चूंकि कोविड को देखते हुए, वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, पिछले वर्ष तो मैंने देख लिया गुलमोहर, इस बार देखा ही नहीं, तो वो भी हमारे खेत हैं वहाँ पर, मैंने गुलमोहर को, मैं हर साल वृक्षारोपण पौधारोपण करती हूँ, तो उसको मैंने देखकर, जब वो बड़ा हो रहा था उसको देखकर मैंने एक गीत लिखा था,
तो उस पर इसका नामकरण किया था उस गीत संग्रह का। एक्चुअली में ना अभी हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं जनरली, और पिछले वर्ष का गुलमोहर, तो इस वर्ड से भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर जो हमारा था वो कितना शानदार था, कितना शानदार। तो अभी जिन लोगों को लगता था कि 2019 कुछ खास अच्छा नहीं है, हाँ, तो अब वो इस कविता को देख के सोचेंगे कि 2019 इसको तो डिलीट करने का मन करता है, 2020 बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था। मैम, जब भी हम काव्य पाठ करते हैं किसी भी मंच पर, और चूंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत है, या इवन जब पहली बार कोई कवि जाता है तो किसी मंच पर, चाहे सामने 2 लोग हों या 10 लोग हों या कितने भी बड़े लोग हों, एक काव्य पाठ करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी उस समय जो अनुभव होता है व्यक्ति को, वो मतलब क्या फील करता है कि मैं, मुझसे कभी डर लगता है या नहीं? जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, इवन अगर मैं बात करूं तो नए नए लोग जब कैमरा फेस करते हैं तो उन्हें कैमरा फेस करने में डर लगता है, या स्टेज फियर होता है कुछ लोगों के अंदर, तो क्या इन द सेम वे जो काव्य पाठन करते हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है? खूब होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था। अभी जैसे तुमने इंटरव्यू शुरू किया तो मैं, मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था उधर उधर, जैसे मैं बात मैंने स्टार्ट करनी शुरू की, मुझे क्या करनी थी, मैं क्या कर रही थी। कई कई बार ऐसा होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा सा अनुभव जब आपका बढ़ता है तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर हो जाती हूँ। मैं स्टार्टिंग में मैं बहुत मतलब हेजिटेट करती थी, खुल के नहीं पढ़ पाती थी कविता पाठ, लेकिन स्टेज पर अगर आप जाओगे तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, खुद को असेस में अपना करना, कि हमारे भीतर मूल्यांकन करना बड़ा ज़रूरी होता है, कि बात हमारी औरों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हमने मन ही मन अपना काव्य पाठ कर दिया, सीधे सीधे पढ़ दिए और चले आए, तो कुछ मतलब कहने का जो तरीका होता है उसको बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए जी, इसका तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत स्टेज फियर मेरे को बहुत था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं होता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इससे ऊपर निकल कर आऊँ। सबसे पहले तो मैं आपकी विदेश यात्रा के बारे में भी एक बार जानना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि जो एक हर कवि का सपना होता है कि लाल किले से काव्य पाठ करना, तो आप वहाँ से भी जो है काव्य पाठ कर चुकी हैं, तो उस बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, और अपनी विदेश यात्रा के बारे में कि किस प्रकार मतलब आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है, भारत सरकार ने किस प्रक्रिया के द्वारा आपको जो है वो अमेरिका और लंदन के इतने सारे शहरों में काव्य पाठ करने के लिए भेजा। अब ये इसमें देखो, मैं कुछ एक ट्विस्ट है वो बताऊंगी मैं तुम्हें। अमेरिका का तो ये है कि हर साल, मैंने बताया था कि ये लोग चूज़ करते हैं, मतलब 2-3 साल तक ये लोग मतलब सर्च करते रहते हैं कि क्या नया, कोई नया स्वर आया है कवि सम्मेलनों में, और कई सारे रिकमेंडेशंस वगैरह भी जाते हैं, पूछते हैं वो लोग वहाँ से कि भाई ये किसको बुलाया जा सकता है। बहुत कई सारे, बहुत कमेटी होती है उन लोगों की, कई सारे लोग होते हैं, तब आपस में वो लोग डिस्कशन करते हैं, फिर किसी नाम पर वो लोग राज़ी होते हैं। तो मेरा वीडियो वहाँ पर पहुँचा था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के शायद सचिव हैं आलोक मिश्रा जी, उन तक मेरा वीडियो पहुँचा, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखकर कहा कि भाई अब तक ये कहाँ थी, अब तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आया इनका वीडियो। तो वो तो समय की बात होती है, जब समय होता है तभी तक लोग पहुँचता है, हाँ, समय की वो होती है। तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया, फिर पूरा मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये सब ऐसे आमंत्रण मिल सकता है, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था, ना मैं जानती थी कि इस तरह से कवि सम्मेलन वहाँ पर होते हैं, क्योंकि इस फील्ड में इतना ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। खैर, वहाँ पर गई और मेरा बहुत अच्छा वो पूरा टूर रहा, और लोगों ने बहुत पसंद किया वहाँ पर, और अभी भी अमेरिका से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं दोबारा वहाँ पर आऊँ, और शायद अभी तो खैर कोविड की वजह से भी मुझे लगता है कि लंबा टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने में, लेकिन वहाँ पर, वहाँ से मैंने बहुत प्रशंसा मैं लेकर लौटी, और तभी शायद अच्छे मन, अच्छा ही मन था इतना ज़्यादा कि मैं किताब भी लिख पाई, क्योंकि अनुभव बहुत अच्छे थे वहाँ पर। और वहाँ लोग हिंदी को और भारतीयता को, हिंदू अपनी संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं, शायद दूर हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि कविताओं से जुड़े रहें, कवियों से जुड़े रहें, तो वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। दूसरा, आपने ICCR के पूछा था, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर फेसबुक पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखती रहती हूँ, तो एक मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरे ही जीवन का अनुभव था वो। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने जीवन के कुछ सत होता है ना कि मतलब ऐसा कुछ लिखूँ जिससे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो वो मैंने कहीं आर्टिकल लिखा था। मेरी फ्रेंड लिस्ट में शायद वो नहीं थे जो वहाँ पर प्रोग्राम कराते हैं ICCR, और मतलब लंदन दूतावास है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं, हाँ, तो उसमें शायद वो ऑफिसर थे, तो उन्होंने वो मेरा आर्टिकल वहाँ पर पढ़ा, उन्होंने मुझे वहाँ पे मैसेंजर पर मैसेज किया,
और उन्होंने कहा कि मैं आपका ये आर्टिकल पढ़कर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैंने अभी आपकी रचनाएँ कविताएँ वगैरह पूरा फेसबुक पर देखी हैं, यूट्यूब वगैरह पर सर्च किया और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज़ था कि एक अभी आमंत्रण मुझे अभी मैं वापस आके चुकी हूँ और दूसरा आमंत्रण मेरे लिए तैयार है। तो मैंने सहर्ष उसको लिए अनुमति दी, फिर पूरा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ होती है उसको मैंने पूरा किया और फिर लंदन में गई थी लास्ट ईयर। ओके हाँ, तो वो भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। और उसके अलावा मैम, जब लाल किले से आपने, हाँ लाल किले की बात आप कर रहे हैं, लाल किले का मतलब लाल किले का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मंच होता है अगर आप कवि सम्मेलन से जुड़े हुए हैं तो। सारे कवियों का सपना होता है कि एक बार हम उस मंच पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर से दिनकर, निराला, इन लोगों ने कविताएं पढ़ी, हरवंश राय बच्चन, एक पूरी मतलब एक हमारा गौरव है वो मंच। तो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैं दो बार उस मंच पर जाकर मैंने काव्य पाठ किया और अपना एक स्थान, तो एक एक मतलब प्रभाव बना पाई मैं। मैम, लाल किले से जब आपने काव्य पाठन किया, वो आपका अनुभव, मतलब कि कई बार होता है ना कि जब हम कोई अच्छा काम करके आते हैं जो हमारा सपना, हमें महीनों सालों तक जो है उसी उसमें रहते हैं, गफलत में रहते हैं बहुत दिनों तक उसकी खुशी में रहते हैं। और असल में क्या होता है कि इतनी लंबी लिस्ट होती है उस कवि सम्मेलन में कि 25, 26, 27, 28 कवि होते हैं, तो सोचो कि इतनी लंबी लिस्ट में आपको सिर्फ 5 या 7-8 मिनट का समय मिलता है और कवि सम्मेलनों में तो 4 या 5 कवि होते हैं, कभी कभी 1-1 घंटा। मैंने अमेरिका में 4.5 घंटे अकेले काव्य पाठ किया है, क्योंकि 3 कवि होते थे तो हमें 2.5 घंटे कवर करना होता था, तो 4.5 घंटा मेरे हिस्से में आता था। तो इतना लंबा काव्य पाठ, तो आप अपनी वेरिएशन दिखा पाते हो कि आप किस विधा में कितना कर लिखा है, आपने सब चीज़ कर सकते हो। अब इतने कम समय में आपको ऐसी रचना प्रस्तुत करनी है जिसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ जाए, तो पहले तो उसका चुनाव करना और फटाफट इतने कम समय में आपको अपनी बात पूरी करना। इधर मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी लिस्ट हो रही है लाल किले कवि सम्मेलन की, तो वो 5 मिनट में अपना प्रभाव छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो गया। अगर हम तो रचनाओं का चुनाव बड़ा ज़रूरी होता है मंच पे। कई बार होता है ना कि एक बहुत क्लिष्ट रचनाएं होती हैं, बहुत कठिन रचनाएं होती हैं जो श्रोताओं तक नहीं पहुंचती। हम अपनी खुद की रचनाओं में भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए। मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ, हर कवि सम्मेलन में कन्फ्यूज़ होती हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या सुनाऊँ क्या। और कई कई बार एंड टाइम पर बदलना पड़ता है, ये भी हो जाता है। जैसे कि मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ कि कवियों ने और जो है कवियत्रियों ने हमेशा से ही समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। चूंकि आपकी गज़लें, आपका लेखन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उमदा है, तो आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं हिंदी से मिसगाइड होते जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो, तो वो हिंदी को एज अ कैरियर कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड वन इज कि सही शब्दों का चुनाव कैसे करें, उसके लिए क्या टिप्स जरूरी हैं। मैं इसमें सिर्फ कविता का क्षेत्र नहीं लेना चाहती हूँ, जैसे आपने हिंदी की बात की तो मैं कविता से भी इतर जाना चाहती हूँ। अभी इधर मैंने देखा है कि आप करियर के तौर पर तो इसको हिंदी को और राइटिंग को, लेखन को बहुत अच्छे से ले सकते हो। आप भी शायद इससे परिचित होगे क्योंकि कंटेंट राइटिंग इधर वेब सीरीज़ वगैरह से इतनी ज़्यादा, मतलब अब श्रोताओं की, दर्शकों की, पाठकों की समझ अब विकसित हुई। अगर आप पहले की पिक्चर्स वगैरह आप मूवी देखोगे गोविंदा टाइप की, तो आज वो नहीं चलेंगी। तो मतलब लोग अब रियलिटी से, सच्चाई से और मतलब शुद्धता से, सब चीज़ों से बहुत परिचित हैं। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, वेब सीरीज़ के लिए लिख सकते हो। अब देखिए अमीश त्रिपाठी हैं और ये आप दिव्य प्रकाश दुबे हैं जो हमारे ही समकालीन हैं, तो इन लोगों ने लेखन को अपना करियर बना लिया, अपनी जॉब छोड़ दी। मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो लेखन को उन्होंने अपना करियर बना लिया। तो कहीं ना कहीं एक तो लोगों से जुड़ने की जो टेक्निक होती है वो भी आनी चाहिए, और शब्दों का चुनाव मतलब इतना कुछ तो नयापन होना चाहिए। जैसे एड है, एड वगैरह में भी आप अपना कर सकते हो, और राइटिंग एसोसिएशन वगैरह पे अपना इनरोलमेंट वगैरह करा सकते हो, अपना राइटिंग का जो पार्ट है वो मेल वगैरह, कितनी सारी वेबसाइट्स होती होंगी। मैंने तो खैर कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना तो ज़रूर है कि अपना जो राइटिंग स्किल्स वगैरह है इनको डेवलप करने के कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं।
और दूसरी बात, अपने जो लेजेंड्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे कभी कभी कुछ पढ़ने का मुझे लगता है कि कुछ मुझे ऐसी चीज़ पढ़नी है जहाँ इमेजनरी हो। बशीर बद्र को पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता है। आप उनकी गज़लें को जब पढ़ोगे तो लगता है कि क्या पिक्चर सब रच देते हैं वो मतलब अपनी गज़लों में। तो एक रख रखाव आता है हमको पढ़ने से, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका इम्पैक्ट अपने ऊपर आप ले। आपका मौलिक चिंतन तो होना चाहिए, मौलिकता तो होनी चाहिए, आपकी शिनाख्त तो होनी चाहिए। अभी होता है ना कि अभी हमने बशीर बद्र को पढ़ लिया तो उन्हीं की लहजे में हम लिखने लगे, या हमने डॉक्टर उमरेश को पढ़ लिया, निदा फाजली साहब को पढ़ लिया, या किसी को पढ़ लिया। तो ये ज़रूरी है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मौलिकता को शरित नहीं होना चाहिए, वो अपना विचार तो अपने ही रहना चाहिए। वेब सीरीज़ की अभी आपने बात करी, तो कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे स्टोरीज वगैरह भी लिखनी चाहिए? या अगर इवन मैं आपकी बात करूं, आपको मौका मिले, और जैसे कि अभी आपने एक इंसिडेंट अपना मेरे साथ शेयर किया कि एकदम से उन्होंने कहा कि मुझे उस पत्रिका के माध्यम से कि मुझे दो दिन में या एक दिन में आपकी गज़ल चाहिए माँ के ऊपर। हाँ हाँ। तो अगर इनकेस एकदम से अगर आपके लिए ऐसा ऑफर मिले अब वेब सीरीज या कोई भी ऐसी स्टोरी राइटिंग करने के लिए, तो आपका क्या अनुभव रहेगा? आप लिखना चाहेंगी फिर उसको? बिल्कुल लिखना चाहूँगी, क्योंकि अभी कई सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रोस अच्छा है, नसर अच्छी है, जबकि मुझे नहीं पता था ये अच्छी है। ऐसा मैं कह रही हूँ ना कि जब मैंने अपने संस्मरण यात्रा वृत्तांत वगैरह जब लिखे उस पर छोटा छोटा डालती थी, तो मतलब इतनी प्रतिक्रियाएँ वगैरह मिली कि तुम तो ये अच्छा लिखती हो भाई, ये तुम्हें लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ना सोचती नहीं हूँ, मतलब एक जैसे नदी प्रवाहित होती है ना, तो वो प्रवाह चलता रहता है उसमें लिखते हुए। तो मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा, प्रेशर मुझसे लिखवा भी लेता है, ये मेरे साथ होता है। अभी राम मंदिर का जब निर्माण शिलान्यास हो रहा था, तभी मेरे से मेरे परिचित हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि राम पर आपने कोई कविता नहीं लिखी, भाई कैसी आप हिंदी की कवित्री हैं। उन्होंने बस मुझे चैलेंज दिया और उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, दिन रात करके मैंने उसको एक दिन में ही वो गीत लिखा और उसको कंपोज करके फिर तो मैं चाहूँगा ज़रूर आप उसे सुनाएं थोड़ा सा फिर। कि मानस की ध्वनिया कण कण में गुंजित है, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित है, राम आगमन के सुख से अब छलक उठे, वर्षों से जो भाव हृदय में संचित है, आज आस्था ने पाया परिणाम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, मानस की ध्वनिया कण कण में गुंजित है। बड़ा लंबा गीत है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो आपकी इस कविता के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, बहुत अच्छी लिखी है। और दूसरा, आपने कहीं ना कहीं सही कहा था कि सिंगिंग में भी आप जा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है ना काव्य पाठ में भी हमारा जो गायन का एक बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, रोल होता है। अगर हम समाज की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि वुमेन आज भी बहुत ज्यादा एम्पावर नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि आसपास के जो उस सिटीज में, मुझे ऐसा लगता है कि जो वेल प्रॉपर या वेल सेटल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो अपनी वहां की महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकें कार्य करने के लिए और उन्हें आगे ला सकें? जैसे प्रभात आपने पूछा कि एक स्टेबल जैसे हम व्यक्तित्व हैं कुछ, तो किस तरह से एम्पावरमेंट को, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं जहाँ तक अपनी बात मैं करती हूँ, तो मेरे चारों तरफ कहीं भी अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई स्त्री कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर की जो आग है, उसके अंदर का जो खासियत है, उसके अंदर जो कमज़ोरी है, उस चीज़ पर मैं उससे बात करूँ और उसको कोशिश करूँ कि वो अपने आप को पहचाने और किस तरह से वो अपने जीवन को सार्थक बना सकती है, अपने आसपास अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कुछ अपना योगदान दे सकती है। तो मैं अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपने विचारों से मैं ये कर सकती हूँ। अब मैं ये नहीं सोचती कि मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन अगर मैंने एक छोटा भर प्रयास कर लिया, और ऐसा मेरे जीवन में कई मैंने अनुभव किया है, चाहे मेरे कुछ रिलेटिव्स हों जहाँ मैंने देखा कि हाँ मेरी बहन कहीं ना कहीं दूर की कोई बहन खुद को खो रही थी, तो मैंने उसको वापस लाने की कोशिश की उसकी ज़िंदगी में, या मेरे घर में ही जो मेरी हेल्पर्स वगैरह हैं उनको मैंने कोशिश किया कि हाँ कि अपने जीवन को किस तरह से वो संवारे। और मैंने यहाँ पे शब्दिता एक साहित्यिक संस्था है, उसके माध्यम से भी वह बहुत सारे लोग, इतनी रचनात्मकता उनके भीतर थी लेकिन उनको एक मतलब प्रसार करने का, अपने बात को कहने का माध्यम नहीं मिल पा रहा था, उनके भीतर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी थी जो छुपी हुई थी।
तो उसमें हमने एक संस्था बनाई है, तो हम लोग कभी कभी इकट्ठा होते हैं और अपनी विचार गोष्ठी वगैरह करते हैं। तो उसमें उनको उनके भीतर उनके जो भीतर उनके जज्बात थे उनको जब मैं निकलते हुए देखती हूँ तो उनके चेहरे पे जो एक ब्लूम करते हैं तो उसको देख कर मुझे बहुत संतुष्टि होती है। और एक संस्था है पंख, बहुत बड़ा, मैं इसीलिए मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों को मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कोई रेखांकित करने वाला काम तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ छोटे छोटे काम हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर एक स्त्री, मैं मुझे लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं कुछ स्त्रियाँ हमारे मोटिवेशन से और हमारे एक छोटे प्रयास से। तो अगर मैं स्टेबल हूँ अपने, मतलब आप जिस तरह से आपने कहा कि एक स्टेबल स्त्री को किस तरह से हेल्प करनी हाँ, चाहिए, कोई भी सोसाइटी में तो स्टेबल पर्सन्स हो। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने योगदान, क्योंकि सिर्फ कविताएं गाना ही मतलब पूरी बात नहीं हो तक जब तक आप ज़मीन पर काम नहीं करते हो। तो कविताओं में वही लिखो जो आप वास्तव में हो, आपका व्यक्तित्व में अगर वो चीज़ शामिल है तभी वो कविताओं में भी व्यक्त हो सकती है, नहीं तो फिर तो झूठी बात हो जी। जाएगी कि आपके वो तो प्रिंसिपल्स तो कुछ और हैं लेकिन आप वास्तविक जीवन में तो कुछ ऐसा योगदान कर नहीं रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों तरफ अपना योगदान दे पाऊँ। और एक गीत मैं आपको, इसके गीत का एक आध बंद मैं सुनाना चाहती हूँ। कई कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि कुछ ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि नहीं ये आपकी कभी ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो चीज़ मानने योग्य होती है उसको ज़रूर माना जाना चाहिए, जो डायरेक्शन आपको आपके बड़े देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपके व्यक्तित्व पर कुछ लोग ऐसे प्रभावी होने की कोशिश करते हैं कि आप खुद को ऐसा लगता है कि आप खुद को खोल नहीं पा रहे हो, खुद की बात आप नहीं कह पा रहे हो। तो कभी मैंने आत्मबोध का एक गीत लिखा था, आत्मबोध होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वास्तव में हम क्या हैं। अब दूसरे हमें बताते रहे कि आप ये हो तो बिल्कुल आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, जैसे बुद्ध ने भी कहा था अपो दीपो भव, तो अपना दीपक हमें खुद बनना है, अपने प्रकाश हमें खुद बनना है। तो यही विचार मेरे हमेशा से रहते हैं। मोस्टली मेरी कविताओं में सकारात्मकता होती ही होती, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो अपने प्रति हो या नारी जगत के प्रति हो, नकारात्मकता का भाव थोड़ा कम होता है। भले ही चाहे आप लोग इसको ये कह लीजिए कि आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी दुनिया बसाई जाए, ऐसे लोग हों जिनके अंदर ऐसी सकारात्मकता बनी रहे। तो एक गीत का एक दो बंद मैं आपको सुनाती हूँ जी। कि आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर, जब आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर, जब क्या स्वयं को मैं तभी स्वीकृत करूंगी। ये मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आप मुझे कुछ कह देंगे कि भाई आप ये हैं तो तभी मैं क्या खुद को स्वीकृत करूंगी। मेरे पास खुद के ऐसे कारण हैं जहाँ मैं अपने अस्तित्व को मानती हूँ कि मैं सुन रूपा हूँ या मैं ये हूँ। कोटरों की ओट में जीवन ना होगा, प्लेट सी गोलाई में नृत्य ना होगा, मंजिलों का रूप धुंधलाएगा निश्चित, स्वप्न की गंधों का गरलेपन ना होगा, स्वप्न की गंधों का गरलेपन न होगा। उड़ मैं सकती हूँ अगर पंछी सदृश तो, उड़ मैं सकती हूँ अगर पंछी सदृश तो, बाह भर आकाश क्यों आवृत करूंगी। आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर, जब और बंद है। जो अपरिचित था उसे मैं जान पाई, अपनी आवाजों को अपना मान पाई, जब निरंतर राह पर आगे बढ़ी तो जिंदगी के रूप को पहचान पाई, जिंदगी के रूप को पहचान पाई। आत्मविश्लेषण लिखूंगी जब कभी फिर, आत्मविश्लेषण लिखूंगी जब कभी फिर, क्यों किसी की पंक्तियां उद्धृत करूंगी। आत्मविश्लेषण करूंगी जब कभी फिर,
क्यों किसी की पंक्तियां उद्धृत करूंगी, आप हस्ताक्षर करें अस्तित्व पर जब। ये भी बहुत लंबा गीत है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है आपने, और एक्चुअल में हर लाइन का एक खुद में मीनिंग है, मतलब बहुत बड़ी चीज अगर हम देखें जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर समझाते हैं उसको आपने कविता के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर अपने बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो सारे शब्द एक्चुअली में, अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हम सब के लिए और यूथ के लिए है कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कितनी भी एबिलिटी हो और हमसे कोई दूसरा जरा भी कुछ कह देता है तो हम विचलित हो जाते हैं कि हमारा मन जो है वो संकोच पर विश्वास करना बहुत मन संकोच करने लगता है, मन संकोच करने। तो अगर विश्वास की मैं बात करूं तो अभी तक आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट कि जहां आपको लगा हो कि यहां मैं डीमोटिवेट फील कर रही हूं या मुझे लगा हो कि मेरे मतलब समय का बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर है, तो कभी आपको ऐसा लगा हो, मैं चाहूंगा जरूर आप दर्शकों के सामने शेयर करें। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मंच पर अगर मैं कभी सम्मेलन मंच पर अगर मैं बात करूं तो जैसे कई बार ऐसा होता है, वैसे तो अभी आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं नहीं भैया आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, आप इस पर कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। तो मंच पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई बार मुझसे ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि आपका जो आजकल कवि सम्मेलन का जो मंच है साहित्य में बहुत दूरी हो गई है, खाई सी हो गई है। पहले के जो कवि सम्मेलन का मंच था वो बहुत समृद्ध था, साहित्य से भी बहुत समृद्ध था। गोपाल सिंह नेपाली जी थे, हरिवंश राय बच्चन थे, गोपाल दास नीरज थे, तो कविता का वो समय था, तब शुद्ध कविता कवि सम्मेलनों से पढ़ी जाती, तो श्रोता भी जो होते थे वो उनको बहुत ज़हीन होते थे, कविता की उनको समझ होती थी। अब जब कई कई बार मैं कवि सम्मेलन में जाती हूँ तो मुझे कहीं मैं महसूस होता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ, या तो कविता पढ़ी ही नहीं जा रही है, कभी हाथ से चुटकुले होते हैं या वीरस के नाम पर चीख पुकार होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को मैं विचलित सा महसूस करती थी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई तो कौन मुझे सुनेगा भाई, मैं तो शुद्ध कविता सुनाने वाली हूँ, मेरे अंदर तो वो सब चीज़ें नहीं हैं कि श्रोताओं से मिल जुड़ने के लिए कि मैं कुछ ऐसे वाक्यांश या ऐसा हल्के फुल्के कुछ मुक्तक सुनाऊँ जैसे लोग तुरंत जुड़ जाएँ। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करती थी कि अब मेरा नंबर आएगा, इनके बाद मुझे कौन सुनेगा, जहाँ किसी ने तो शोर मचा मचा के लोगों से तालियां पिटवा ली, कह दिया कि भाई तालियां बजाओ और ये सब चीजें होती हैं, तुमने भी सुना होगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब आप अपने आप को भी सीमित रखना चाहती है, लिमिटेड रखना चाहती है इन चीजों में। नहीं, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, जब कहते हैं ना श्रेष्ठता में कहीं समझौता नहीं करना चाहती, भले ही मेरे पास मंच कम हो मैं क्वालिटी में कोई डिग्रेशन नहीं चाहती, क्वालिटी में बिलीव करती हूँ मैं, क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कई बार विचलित हुई कि अब शायद मैं डिमोरलाइज हो जाती थी खुद में, और कुछ लोगों से मैंने सुना भी भाई ये नहीं कवि सम्मेलनों में नहीं अच्छा कर पाएंगे क्योंकि इनके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं जो आजकल ज़रूरत है कि भाई मतलब क्या बोलते हैं कि जुमले कुछ उछाल देना, इस तरह की चीज़ मेरे साथ नहीं है। आजकल यही चल रहा है, व्यंग ज़्यादा चल रहा होगा लेकिन मैं जहाँ पर मैंने अपने आप को देखना चाहती हूँ मैं वहीं पर हूँ। तो जब मैं होता है ना कि अपने भीतर जब झांकना है, जब अपने आत्मा में जब झांकते हैं तो जो संतुष्टि होती है तो उसका तो कोई मोल नहीं होता। तो अगर मैं कवि सम्मेलनों को कुछ देकर जाना चाहती हूँ, कुछ लेकर नहीं जाना चाहती। मैम सबसे पहले तो आपके नाम का मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या मीनिंग होता है। मैं पता है इसमें लाइव करने वाली हूँ फेसबुक पर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि इसका मतलब क्या है, किसने ये नाम रखा, क्या आप बंगाली हैं, क्या आप ये हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे नाम का मतलब सोन रूपा, बहुत सिंपल सा है, सोने जैसा रूप होता होगा, और इसका भी बहुत लंबा है कहानी। सोम ठाकुर जी हिंदी गीत के बहुत बड़े नाम है, यशस्वी नाम है, तो उन्होंने मेरा पहले नाम रखा था शिंजनी, उसको बदला क्योंकि मुझे लगा कि इसका नाम का लोग मजाक बनाएंगे, मैंने पापा से कहा नहीं मुझे नहीं रखना। फिर रूपम रखा गया तो मुंबई में एक स्टोर हो गया रूपम स्टोर करके, तो वो मैंने कहा वो पापा ने हटाया कि भाई इसका नाम यूनिक रखना है जो किसी का नाम ना हो, तब शायद ये नाम उन्होंने रखा था सोन रूपा। तो आज तक दूसरा नाम तो मुझे मिला नहीं, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई, इकलौती सोन रूपा है। नहीं तो आपके ऊपर सूट भी करता है एक्चुअली में ये। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी चीज़ मैम, मैं एक जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है अभी मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, जैसे कि आपने बात कही कि कई कविताओं में कई कवि सम्मेलनों में जाकर आप संकुचित महसूस करती हैं कि मैं चंद तालियों के लिए अपने आप को मतलब नहीं प्रस्तुत कर सकती इन लोगों के सामने, अपना जो एक स्टैंडर्ड है अपनी एक जो
श्रेष्ठता है कविता का, उसके सामने समझौता नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारे देश के, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, कि बहुत से ऐसे कवि हैं जो सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों पर व्यंग करते हैं, इवन ना सामने वाले का, चाहे वो कोई भी हो, पद का उसके ध्यान रखते हैं, उसकी पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं, किस हद तक वो सही है? फिर क्या उन लोगों के लिए वो चीज़ ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर वो तो इतने बड़े कवि हैं, फिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। बड़े उनके लिए होंगे, मेरे, मैं, मुझे तो ये नहीं पसंद है आता दिख। मैंने कहा ना, श्रेष्ठता से मैं कहीं समझौता नहीं करती, तो मैं तो अपनी जगह पे अडिग हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि यही जो मैसेज है, जो अभी कुछ कवित्रियाँ ऐसी हैं जो आना चाहती हैं मंच पर, वो मुझसे जुड़ती हैं, मुझे कॉल वॉल करती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई मेरी तो सोच यही, अगर उसी पर तुम्हें चलना है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि आजकल, क्योंकि न्यू यूथ जो है वो इस लाइन में आ रही है, और जैसा वो अपनी लाइन के लोगों को देखेंगे और उसी के अनुसार वो है, वो आचरण करेंगे। आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि बहुत से ऐसे कवि हैं हमारे देश में जिनका अच्छी प्रसिद्धि है, अच्छा नाम है, और वो कभी कभार अपनी कविताओं के माध्यम से ना ये देखते हैं कि सामने वाले का पद क्या है या उसके पद की गरिमा क्या है, और वो ऐसे ऐसे व्यंग करते हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो उनके आचरण को शोभा नहीं देता। तो उनको तो खुद अपने आप सोचना चाहिए ना, लेकिन अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करना, मेरे लिए तो, मुझे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही है ना कि आप व्यावसायिकता के लिए इतना ज़्यादा अगर आप करने लगोगे कि आप डिमांड में बने रहो, आजकल क्या है कि अगर हल्की फुल्की, अब तुमने खुद ही देखा होगा आपने कि किस तरह के कुछ सॉन्ग्स होते हैं, बहुत जो हल्के सॉन्ग्स होते हैं उसकी व्यूअरशिप कितनी बढ़ जाती है, कितने के तक पहुँच जाते हैं, और हम जैसे शुद्ध गीत लिखने वालों के कितने व्यूअर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन आगे जो मूल्यांकन किया जाएगा वो ऐसे साहित्य का किया जाएगा जहाँ पर, अभी तुम देखो एटलीस्ट किताबों में तो नहीं छपने वाला। हाँ, मैं बात करूँ वो तो किताबों में नहीं छपेगा ना, जो जिस तरह का लेखन, जिस तरह का वाचन कवि सम्मेलनों में इस तरह का हो रहा है, तो वो कहाँ, किसका क्या मूल्यांकन होगा उनका? कुछ दिनों बाद वो भी एक होता ना, हवा की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन जो जो चीज़ है ना, जो पौधा, जो वृक्ष बना है साहित्य का, वो तो अडिग है। और तुम जिनका नाम अगर लेते हो, तुम उन्हीं का तो नाम लेते हो जो कवि मैथिली शरण गुप्त का तुमने लिया, महादेवी वर्मा का लिया, दिनकर लिया, निराला के लिया, माहेश्वर तिवारी हैं, समय बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, कैलाश गौतम हैं, तो ऐसे लोगों का साहित्य तो रह गया याद। तो मुझे तो इसीलिए मैं विचलित ही नहीं होती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तब मैं भी शायद उनसे प्रभावित होती, मुझे भी शायद खूब कवि सम्मेलन मिलते या सब चीज़ें, लेकिन मैं तो नहीं भटकी। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझसे संपर्क में रहें, मैं यही बात उन तक पहुँचाऊँ। मेरी तो कोशिश ये रहेगी, मेरी जिम्मेदारी तो ये रहेगी, बाकी उन पर निर्भर करता है। किसी भी लाइन में अगर बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो साहित्य हो या संगीत हो या वो आपका मतलब कला हो या एक्टिंग हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, जनता का जो प्यार है, समर्थन है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए वही है। वो उसको एनकरेज और मोटिवेट करता है और अच्छा देने के लिए। इस स्थिति में जिन लोगों की नई शुरुआत है और वो अपने आप को विचलित महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, वो उन्हें क्या करना चाहिए उस स्थिति में, अपने आप को उसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस का तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने कई सारे उसमें दे दिया है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को ही, अभी मैं बताऊँ, मेरे पास इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं, वहाँ पे नाम के आगे एक विशेष विशेषण लगाकर या कवि लिख देते हैं कि कवि, मतलब वो खुद भटके हुए लोग हैं, तो उनको खुद में सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने आप ही तो चिंतन करना पड़ेगा, मूल्यांकन कोई और तो आगे करा नहीं पाएगा। तो ये है ना कि अपने भीतर विश्वास, अपने भीतर का मतलब कि पैशन हमारा क्या है, ये पहचानना तो खुद को ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा आखिर तक आते हुए, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब कोरोना ने तो वैसे ही सब चीज़ें देखो क्लियर कर ही दी हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा करियर तो होना चाहिए जहाँ स्थायित्व तो होना चाहिए ना, ऐसा करियर तो होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आपको देखिए, कवि सम्मेलन से जो अर्निंग करते थे, आज वो बिल्कुल मतलब चौपट है सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज का बेनिफिट लगता होगा कि आपकी जब कविताओं में श्रेष्ठता है तो लोग आज आपको अप्रोच कर रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं, लोग करते हैं कि आप हमसे जुड़ें, तो कहीं ना कहीं वो हमारी कविताओं में जब श्रेष्ठता है तभी लोग चाहते हैं कि हमसे जुड़ें। बिल्कुल, अगर मैं पहले शायद किसी के सजेशंस में अगर मैं आ जाती कि भाई थोड़ा सा अपनी प्रस्तुति में आप थोड़ा बदलाव लाओ, ठीक है, मैंने शायद जो चीज़ कर सकती थी वो हम ला सकते हैं, लेकिन अपने आप से वो जो आपका खुद की सोच है, आप जैसा खुद को ढालना चाहते हो, तो मुझे लगता है वही बने रहना चाहिए। आप दूसरे का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आप खुद को बदल लो। बिल्कुल,
तो कहाँ आपका खुद का अस्तित्व रह जाएगा, कहाँ आपकी मौलिकता रह जाएगी। भले ही हमें चंद लोग जाने, लेकिन हमारी खुद की पहचान तो होनी चाहिए। कहीं किसी का ओढ़ा हुआ लवादा तो नहीं ओढ़ के हम चलेंगे। जी मैम, चाहूँगा कि जो आपकी कुछ फेवरेट लाइन्स हों वो एक बार आप सुनाएं, ताकि हम उसी के साथ जो है अपनी वीडियो को समअप करें और लोग हम चाहेंगे कि आगे जुड़ें। तो मैं चाहूँगा कि एक कोई ऐसी लाइन जो आपको खुद को बहुत ज़्यादा पसंद हो वो हमारे दर्शकों के सामने आप ज़रूर सुनाएं। कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। और वो शेर सुना देती हूँ माँ के ऊपर और पिता के ऊपर जो मैंने गजलें कही हैं, उसके एक एक शेर सुना देती हूँ। शाम सी नम रातों सी भीनी भोर सी है उजियारी माँ, शाम सी नम रातों सी भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सिनम रातों सी भीनी। और एक मैंने पिता पर गजल कही थी, उसके एक दो शेर में सुना देती। जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय प्रश्नों के हल खुशियों के पल, सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे, हर रिश्ते को बांधने वाली थे एक अनुपम डोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरे। बहुत ही अच्छा लिखा है मैम आपने ये, और मैं फिर कहूँगा ये चीज़ कि किस सरल हिंदी के साथ आपने जो मतलब कि अगर किसी का हिंदी साहित्य से इतना जुड़ाव नहीं है और वो प्रॉपर हिंदी नहीं समझता, वो व्यक्ति भी इन कविताओं का मतलब जो है वो बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे अच्छा लगा तुमसे बात करके और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपके सामने मैम ने जो भी अपने मुक्तक रखे, अपनी जो भी गज़लें रखी, आप देख पा रहे हैं कि उसमें जो श्रेष्ठता है, उसकी जो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं ये आप तभी ला सकते हैं जब आपका चिंतन बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और एक सही दिशा में है। चिंतन सकारात्मक करने के लिए आवश्यक है कि आपकी दिशा सही हो, दिशा सही करने के लिए आवश्यक है कि आपका जो मार्गदर्शक है वो भी एक अच्छा मार्गदर्शक हो और आपको उसी के अनुसार गाइड करे। हालांकि मैम इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वुमेन्स अगर कुछ चाहती हैं, आप अगर कुछ सोचते हो तो आप अपनी लाइफ में जो भी सोचते हो वो कुछ भी कर सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो अपनी काव्य पाठ के और अपनी कविताओं के वाचन के द्वारा ही मैम ने जो है वो अपनी विदेश यात्रा को भी संपन्न किया और हमारे देश का जो एक सर्वोच्च और सर्वसम्मानित जो संस्थान है लाल किला, वहाँ से भी काव्य पाठन किया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी कविताओं की श्रेष्ठता ही है, उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ जो है वो समझौता नहीं किया तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिला। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा और आपके साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ही लोगों से जुड़ें, अपने आसपास ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें, ऐसे लोगों को देखें जो कहीं आपको आपके भविष्य को और आपके जीवन को एक स्टेप आगे ले जाने में मदद कर रहे हों। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाए रखें जो आपको कहीं ना कहीं निगेटिव और नकारात्मक चीज़ें आपके व्यक्तित्व पर और आपके जीवन पर छोड़ रहे हों।
और चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जिन्हें कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, और जो वुमेन्स आजकल अपने घर में हैं, COVID-19 का दौर चल रहा है और कुछ नया करना चाहती हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैम एक बार ये जानना चाहूँगा कि अगर पर्टिकुलर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो आपसे किन किन माध्यम से जुड़ सकता है? मैं फेसबुक पर भी हूँ, ट्विटर पे हूँ, इंस्टा पर हूँ। आपके सारे लिंक्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैम से अगर कोई मैम की कविताओं से जुड़ना चाहता है, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।